अब फ्रेंड देखिए, इस कैप को बनाने के लिए हमें 10 फंदे डालेंगे सिंगल कलर से। देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे। जो पहली सिलाई है फंदे डालने के बाद, पूरी सिलाई हम उल्टी बना देंगे इस तरह से। दस फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए। अब हम सीधी साइड पे आ गए। तो अब सीधी साइड पे देखिए क्या करेंगे। पहला फंदा हमने वैसे उतारा, एक फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे करा। पहले नंबर वाला ने, ये जो हमारा सेकंड नंबर वाला है, यहाँ से यहाँ पे दूसरी सिलाई से फंदा निकालेंगे। फिर अगला उल्टा बनाएंगे, यहाँ फिर दूसरे नंबर से एक फंदा निकालेंगे, दूसरी सिलाई से जाके ये पहले वाला नहीं बनाएंगे, इससे नीचे वाला बनाएंगे। फिर एक उल्टा सीधे वाला, फिर नीचे से, फिर उल्टा। अब उल्टी सिलाई पे भी हम वैसे करेंगे। जो हमारा उल्टा फंदा है उसको हम उल्टा ही बनाएंगे। देखिए, इसके बाद जो सीधा होएगा उसको पहला नहीं, यहाँ पे दूसरे नंबर से यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे एक फंदा। ये उल्टा धागा पीछे करा, इसको सेकंड नंबर से इस तरह से निकाला। बस इसी तरह से हमने ये दोनों तरफ से इसी तरह से बनाना है। उल्टा फंदा उल्टा ही बनाना है और सीधा दूसरी सिलाई से निकालना है। ये देखिए, अब फिर से देख लीजिए सीधी सिलाई पे। पहला फंदा हम वैसे उतारते जाएंगे, ये उल्टा है, धागा पीछे करा। ये देखिए, पहले नंबर पे नहीं, इसको यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और एक फंदा निकालेंगे। ये देखिए, ये उल्टा बनाया, इसको दूसरे नंबर से इस तरह से निकाला, फिर उल्टा बनाया। और इस तरह से हम ऊपर तक जितने हमारे सिर की गुलाई है उतनी इसकी लेंथ रखेंगे। नाप लीजिए इसको इस तरह से। देखिए, मैं बताती हूँ किस तरह से नापेंगे। बस इसी तरह से हमने इन 10 फंदों को ऊपर तक बनाते जाना है और इसकी 3 लेयर बनानी है हमें। देखिए इस तरह से, 1, 2 और 3 3 बनाने के बाद फिर हम इसको सिलेंगे। देखिए किस तरह से नापेंगे हम। मान लीजिए हमारा सिर है, तो इस तरह से हम इसको इस तरह से नापेंगे। बस इतना सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे, इसको इतना ज़्यादा बनाना है सिर से। अब देखिए, यहाँ से हम तीनों को सिल देंगे, एक कोने से पकड़ के तीनों को सिलेंगे। अच्छे से इसको टाइट कर देंगे और सिल देंगे। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको काट देंगे। जब हम फिनिशिंग करेंगे इसके तब इसको काट देंगे। और यहाँ से हम इसको पक्का कर देंगे। देखिए इस तरह से, एक बार फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, 1, 2, और इसको पक्का करके यहाँ से काट देंगे। ये देखिए, अब देखिए क्या करना है हमने। इस तरह से 3 लेयर रखी हैं। अब यहाँ पे हम इसकी चोटी बना देंगे, थोड़ी लूज लूज रखनी है, इसको टाइट नहीं करना है। Thank you.
तरह से बना के हमने दूसरी साइड से भी इसको फिर सिल देना है। अच्छे से बिठाना है यहाँ से भी। और यहाँ से दूसरा कोना फिर इसी तरह से सिल देना है यहाँ। अब देखिए फ्रेंड, ये वाली साइड भी हम इस तरह से सिल देंगे यहाँ पे। तीनों इस तरह से मिलाएंगे और इनको भी यहाँ पे सिल देंगे। ये सिलने के बाद फिर हम फंदे उठाएंगे। अब फ्रेंड देखिए, हम ये दूसरा कलर लगाएंगे और इससे बनाएंगे अब ऊपर वाला पार्ट। तो इस तरह से जो पूरी लेयर है हमारी, इस तरह से काउंट करेंगे। देखिए, एक एक, एक दो तीन चार पाँच छः। तो इस तरह से मैंने ये 85 85 बनाए हैं। 85 एक के, फिर इसके इसके तीनों के। अब यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये जो हमारी छोटी छोटी दिख रही है, इससे हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे। तो देखिए, पहला फंदा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उठाना। हर एक छोटी में से एक एक फंदा उठाते जाएंगे। चौदह हमने एक में से उठाए हैं, फिर अगले वाले से। इसी तरह से हमें लास्ट तक मैं सभी फंदे उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कितने फंदे उठाए हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये 95 फंदे उठा लिए मैंने टोटल। अब इन फंदों को हम उल्टा सीधा बनाएंगे। पहली सिलाई हमने सीधी बनाई, तो ये वाली सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। अगली फिर सीधी बनाएंगे, उल्टी बनाएंगे, फिर अगला डिजाइन बताती हूँ मैं किस तरह से बनाएंगे हम। अब देखिए फ्रेंड, 8 सिलाइयाँ बना ली मैंने। इसमें ये 7 ही आई, अगली बार 8 आएंगी, क्योंकि पहली सिलाई हमने सीधी साइड से बनाई है। अब उल्टी साइड से हम दूसरा कलर लगाएंगे, और जिस तरह से हमने इस पर एक फंदा उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बनाया है, वैसे ही यहाँ पर बनाएंगे। तो पहले पूरी सिलाई हम ये दूसरे कलर से बना लेंगे, पूरी सिलाई उल्टी। फिर सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ आगे किस तरह से बनाना है हमने, एक फंदा उल्टा एक सीधा। अब देखिए फ्रेंड, यही डिजाइन बनाएंगे हम। एक फंदा उतारा, एक उल्टा बनाया, धागा पीछे करा। देखिए, ए वाला नहीं हम बनाएंगे, इससे नीचे वाला जो दूसरा कलर है, यहाँ पे हम इस तरह से एक फंदा निकालेंगे, फिर एक उल्टा एक दूसरे नंबर से निकालेंगे। जो दूसरी सिलाई है नीचे वाली, वहाँ से हमने, देखिए इस वाले कलर से हमने एक फंदा निकालना है। पूरी सिलाई हम इस तरह से बना देंगे, एक उल्टा एक सीधा, और फिर उल्टी सिलाई दिखाती हूँ। अब देखिए, उल्टी सिलाई पे भी हम वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा हमने उतारा, धागा पीछे करा, ये देखिए इस तरह से एक फंदा निकाला, ये उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे करा, सीधे वाला हमने, ये देखिए सेकंड नंबर से यहाँ से एक फंदा निकालना है।
पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना देंगे। 8 सिलाई हैं इसकी और 8 ही इसकी। मैं ये बना लेती हूँ, इसकी पूरी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। बस इसी तरह से बनाना है। ये वाले हमने सीधी उल्टी बनानी है और इस पे हमने डिजाइन बनाना है। अब देखिए फ्रेंड, ये मेरी कैप की लेंथ कंप्लीट हो गई है। टोटल नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ तक मैंने 9 इंच की बनाई हुई है। 8 सिलाई है इसकी, 8 8 8 और फिर 8। अब देखिए इसी कलर से हमने फंदे कम करने हैं। अब देखिए किस तरह से करेंगे हम। यहाँ तक हमारी 9 इंच लेंथ हो गई है इसकी। एक फंदा उतारा, अगले वाले दो का एक, सभी फंदे लास्ट तक हम दो का एक कर देंगे इस सिलाई में। और फिर अगली सिलाई दिखाती हूँ सीधी साइड से। अब सीधी सिलाई पे भी हम दो का एक करेंगे इस साइड से। दो का एक करा, फिर से दो का एक करा, लास्ट तक देखिए सभी फंदों का हम दो का एक कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड, अब इस साइड से भी हम तीसरी बार फंदे कम करेंगे। ये देखिए और इसके बाद फिर सुई से सभी फंदों को बंद करेंगे। तो ये मैं बंद कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास 13 फंदे बचे हैं, तो इनको भी हम इस तरह से सुई पे ले लेंगे। देखिए अब लास्ट वाला फंदा भी हमने यहाँ पे हम दो बार टाइट करेंगे इसको। देखिए फिर से हम इसी के अंदर से निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए, और इसको जोर से टाइट कर देंगे। ये हमारे कैप का ऊपर वाला पोर्शन बन गया। देखिए इस तरह से अब हम इसको सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड, सीधी साइड से ही सिलेंगे हम इसको इस तरह से, एक एक फंदा दोनों से लेते हुए। पहले ये वाला कलर सिलेंगे, फिर नीचे वाला हम दूसरे कलर से सिलेंगे। जिस जिस तरह का कलर आएगा आगे तक वैसे ही सिलते जाएंगे। अब इसके बाद हम दूसरे कलर से सिलेंगे इसको, और इस वाले धागे को यहीं से नीचे छोड़ देंगे। और ये वाले कलर का धागा ऊपर ले, ये मैंने यहीं पे छोड़ रखा था थोड़ा सा। अब इसको हम इस वाले कलर से सिलेंगे। यहाँ पे इस तरह से निकाला। अब एक एक फंदा हम एक यहाँ से लेते हुए, बहुत ही आसान है सिलना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब इसका और इसको, इस कलर को हम यहीं से छोड़ के अब दूसरा कलर यहाँ से सिलने के लिए लगा देंगे। और नीचे तक मैं इसी तरह से ये देखिए सिल दूंगी, फिर दिखाती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड, ये वाला पार्ट भी हम इसी तरह से सिल देंगे सीधी साइड से। देखिए एक एक इस तरह से धारियाँ मिला देंगे और लास्ट का भी नीचे वाला पक्का कर लेंगे। और ये जो धागे हैं इनको अंदर की साइड हम
तरह से यहाँ पे बंद कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड, ये कैप की फाइनल लुक बहुत ही सुंदर कैप बन के आई है हमारी, देखिए इस तरह से। और मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी आपको किस तरह से बन के आई है। तो फ्रेंड एक बार इस वाले कैप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल बन के आती है, ये देखिए। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए मैं आपको दो कलर की बहुत ही सुंदर ये वाली कैप बनाना बताऊंगी, बहुत ही जल्दी और बहुत ही कंफर्टेबल है ये। तो इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी बनाइए। देखिए बहुत ही सुंदर, देखिए। तो चलिए फ्रेंड इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी वे में आपको मैं इसको बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।